हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। और आज हम यहाँ देखने वाले हैं जीपेट की तैयारी कैसे किया जाए, कैसे उसको प्रिपेयर किया जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने चाहिए, कैसे उसके लिए प्रिपरेशन की जाए, लाइक कैसे ट्रिक्स के थ्रू उसको याद किया जाए। तो काफी सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो गाइस, बनी रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के आखिरी तक। एंड जो भी यूजर यहाँ पे नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको जो भी वीडियोज हैं, नए वीडियोज हैं, वो आपको मिलते रहे टाइम के ऊपर। सो गाइस, चलिए चलते हैं हमारे जीपेट प्रिपरेशन की तरफ। अभी से यदि आप प्रिलिमिनरी लेवल पे इसकी तैयारी कर रहे हो और सिक्स सेमेस्टर से ही तैयारी कर रहे हो, सो आई सजेस्ट यू गाइस कि जो भी सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन अपने कॉलेजेस में करते हैं, ओके, या फिर घर पे आप पढ़ाई करते हो, सो गो थॉरली, ओके, पूरे सब्जेक्ट को जो है ना वो थॉरली आपको रीड आउट करना है। सेकेंड थिंग इज दैट आपको उसके साथ में जो है उसके नोट्स बनाने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? तो ये डर होता है हमारे मन में कि लाइक ये सब्जेक्ट कैसे कर पाएंगे हम, ओके? गाइस, यहाँ नया कुछ भी नहीं है, जो कुछ आपने पहले पढ़ा है, जीपेट पहले भी होता था, आज भी हो रहा है, तो ये कुछ नया नहीं है। सब्जेक्ट जो है वो पहले भी वही थे और आज भी वही है, तो ये भी कोई नया नहीं है। आपने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ रहे हो, ओके? एंड थर्ड थिंग इज दैट कि मन में आपने बना लिया है कि हाँ मुझे करना है, तो यही करने का टाइम है, ओके, आप कर लोगे, ओके गाइस, सो देयर इज नो फियर, राइट? तो चलिए चलते हैं कि इसमें कैसे प्रिपरेशन की जाती है और कौन कौन सब्जेक्ट आने वाले हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे, स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं, ओके? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैसे इसको ईजी बनाया जाए, जिसके बारे में मैंने अभी बात की। सेकेंड पॉइंट है स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन, प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे होनी चाहिए, राइट? तो पहली चीज है कि तो किस सब्जेक्ट में मुझे जो है ज्यादा ध्यान देना है, किस सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, कौन से मेजर है, कौन सा माइनर है, कौन से कोर सब्जेक्ट है जहां से 25-30% क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो गाइस, हम सब कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक के, आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग हियर, ओके? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यदि हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, फार्मास्यूटिक्स, यदि मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो फार्मास्यूटिक्स, देन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ओके, ये आपके कोर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, जिससे कि और एसोसिएटेड सब्जेक्ट इससे जुड़े हुए। एंड गाइस, ये है आपके माइनर सब्जेक्ट, जिसमें कि हम बात करते हैं फिजिकल फार्मेसी की, फार्मास्यूटिकल जूरिसप्रूडेंस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड बायोफार्माकाइनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिस्पेंसिंग हॉस्पिटल फार्मेसी, माइक्रोबायोलॉजी, चीपी एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड थेरापेटिक्स, ओके गाइस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, ओके, या इसको कैसे पढ़ना है, राइट? तो सबसे पहली चीज होती है किसी भी सब्जेक्ट में आपको सबसे पहले उसके बेसिक्स में जाना इम्पोर्टेंट है, ओके? ऐसा नहीं है कि आपने जो है टैबलेट को स्टार्ट किया और टैबलेट को स्टार्ट करने के बाद डायरेक्टली आप उसको टेस्ट के ऊपर पहुंच गए, ओके? पहले टैबलेट का जो है ना वो डोजेस फॉर्म कैसा है, कैसे उसको बनाना है, कौन कौन सी मशीनें यूज होती है, ओके, क्या मेथोडोलॉजीज है, उसके बारे में आप उसको स्टडी करो, ओके, उसके बाद उसके टेस्ट के ऊपर आप जाओ, तभी आप समझ पाओगे कि इसमें क्या क्या डिमेरिट्स होती है, ओके, तभी आपको पता चलेगा कौन कौन से टेस्ट आपको करने हैं इसके अंदर, राइट? तो सबसे पहली चीज है जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करो तो उसके डोजेस फॉर्म से स्टार्ट करो, चाहे सॉलिड डोजेस फॉर्म हो, लिक्विड हो, सेमी सॉलिड हो, ओके, जो भी डोजेस फॉर्म है उसको आपको थॉरली रीड आउट करना है, राइट? सेकेंड थिंग इज दैट जो भी आप पढ़ रहे हो उसका नोट्स बहुत बहुत मतलब बनाना बहुत जरूरी है, ओके? क्योंकि जो नोट्स आप बनाते हो, जो भी हैंड रिटन होता है, तो आपके थ्रू आपने बनाया है तो माइंड में भी वही जाता है, आंखें भी वही दिखती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही जाएगा, ओके गाइस? तो आप जो भी बना रहे हो उसको आप हाईलाइट जरूर करो एंड उसको कोशिश करो कि आप उसको बार बार पढ़ो, ओके? आज पढ़ा, एक हफ्ते बाद पढ़ा, एक महीने बाद पढ़ा एंड उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो ये सब्जेक्ट आपका इस तरह से तैयार होगा, ओके? और हमेशा गुड बुक्स को ही आप प्रेफर करिए, ओके? इसके लिए जो है मैं किसी बुक्स का जो है यहाँ पे प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ, बट लैकमैन जो है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर है, तो आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, ओके गाइस? सेकेंड थिंग इज दैट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री है तो लाइक मुझे भी ना केमिस्ट्री इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज मुझे स्ट्रक्चर बनाना है ना काफी ज्यादा हार्ड लगता था, बट यदि आप इसे कुछ बेसिक
चीजें यदि आप सीख जाओ तो आपको स्ट्रक्चर बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहली चीज है कि उसका नॉमेनक्लेचर क्या है, आईयूपीएसी नेम क्या है, उसका रिंग स्ट्रक्चर क्या है। बिकॉज कई कई बार आपको क्वेश्चंस में आता है या मेडिसिन का आपको नाम दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है, इसका जो मॉलिक्यूल कौन सा है। ओके, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि आपको हर एक ड्रग का जो मॉलिक्यूल है वो किस स्ट्रक्चर, किस रिंग स्ट्रक्चर से बना हुआ है आपको याद होना चाहिए। ओके गाइस, सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको यहाँ पे ऐसे आर दिया जाता है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में कौन से ग्रुप को ऐड करने पे क्या एक्टिविटी होगी, ओके, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, या कौन से ग्रुप को आप हटा दोगे तो क्या एक्टिविटी होगी वो आपको पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद में जो भी नेम रिएक्शंस है या फिर जो भी कैटलिस्ट है, ओके, तो उस कैटलिस्ट का क्या नाम है, उस कैटलिस्ट का क्या यूज है, ओके, क्या वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, क्या वो रिडक्शन कर रहा है, ओके, क्या उसकी प्रोसेस, क्या उसकी मैकेनिज्म, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आप इजीली जो है किसी भी रिएक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कर पाओगे, इसको लिख पाओगे। ओके, उस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको तो वो सॉल्व कर पाओगे आप। ओके, इसके लिए यहाँ पे यदि आप बुक्स देखना चाहते हैं तो मॉरिसन बॉयड की है, इसके अलावा कोई प्रिंसिपल है मेडिसिन केमिस्ट्री में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी भी बुक्स हैं। ओके, लास्ट में आपको जो है कुछ मैं एमसीक्यूज के लिए भी बुक्स यहाँ बताने वाला हूँ। सो गाइज आप बने रहिएगा मेरे साथ। सो गाइज नेक्स्ट सब्जेक्ट है यहाँ पे फार्माकोलॉजी, एंड फार्माकोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसका क्लासिफिकेशन। तो गाइज आई सजेस्ट यू कि आप जो भी क्लासिफिकेशन याद कर रहे हो तो आप अलग से इसका जो है नोट्स बनाओ, अलग से कॉपी बनाओ जिसमें केवल क्लासिफिकेशन हो। ओके, एंड गाइज को आप रोज जो है ना रिपीट किया करिए तो आपको ये क्लासिफिकेशन जो है ना याद हो जाएगा। बट आपको इसमें लिखना भी जरूरी है, ऐसा नहीं क्लासिफिकेशन आपको पढ़ लिया और याद हो जाएगा, लॉन्ग टाइम तक याद नहीं होगा। तो लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए आपको उसको कुछ ट्रिक के फॉर्म में जो है क्लासिफिकेशन याद करना पड़ेगा, एंड इसको बार बार जो है आपको लिख के देखना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। सेकेंड थिंग इज दैट आती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, उस ड्रग का पर्टिकुलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। कई कई बार होता है कि क्लासेस जो दी होती है वो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस पे दी होती है। ओके, सपोज करिए कि एक क्लास है आपकी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, राइट, एंटीबायोटिक के चैप्टर की है। तो सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर में जितनी भी ड्रग्स हैं तो डेफिनेटली हर ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा वो सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा होगा। ओके, तो उसके अंदर में जितनी भी ड्रग्स दी होंगी, 4 से 5 ड्रग जो भी दी होगी, तो 4 से 5 ड्रग का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो कॉमन है। तो आपको गाइज एक फाइंड आउट करना है कैसे कितने टाइप के ऐसे क्लासिफिकेशन है जिसमें कि पर्टिकुलर जितनी भी ड्रग्स हैं, ओके, उसका एक कॉमन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो, तो आपको याद करने में इजी रहेगा, आपके पास ज्यादा जो है एक भारी भरकम लोड नहीं होगा। ओके गाइज, नेक्स्ट आता है कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या हम बात करते हैं ना कि एक ड्रग जो है किसी दूसरे ड्रग के साथ में दे दी तो क्या इफेक्ट होगा। ओके, इसके लिए आपको जरूरी है कि आपको रिसेप्टर का नॉलेज होना चाहिए, राइट। रिसेप्टर का नॉलेज के लिए गाइज आपको एक टेबल फॉर्म में जो है ना वो बना लेना है कि कितने रिसेप्टर्स होते हैं, एक पूरा एक बड़ा सा चार्ट बना लीजिए, उस चार्ट के अंदर जो है केवल रिसेप्टर्स लिखिए। ओके, वो रिसेप्टर जो है वो क्या है, उनकी क्या सब टाइप है, वो कहाँ प्रेजेंट है, उनका क्या एक्शन है। ओके, आप जब ये याद कर लोगे ना एक चार्ट के फॉर्म में तो डेफिनेटली आपसे जो एडवर्स ड्रग रिएक्शंस है वो गलत नहीं होगा और आप उसको कर पाओगे। ओके गाइज, तो आपको जो अपनी फार्माकोलॉजी है वो ट्रिकी बनानी है। ओके, इतनी कंबरसम नहीं बनानी है कि आप उसको बुक भी ना खोल पाओ या अपने नोट्स भी ना खोल पाओ। ओके, तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कुछ भी ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हो। ओके, मेरे कई सारे वीडियोस हैं उसके ऊपर, तो आप वो भी उसको देख सकते हो इजीली। ओके, तो जो भी आप याद करिए उसको आप टेबलेट फॉर्म में जरूर करिए, ताकि आपको जब लास्ट के टाइम आप जब रिविजन करो तो आपको वन टाइम में सब चीजें आपके स्क्रीन पर रहे। ओके गाइज, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी जो है कई बार स्टूडेंट जो है गलती करते हैं कि फार्माकोग्नोसी की बहुत जो है छोड़ देते हैं या उसके बारे में ज्यादा स्टडी नहीं करते हैं, बट गाइस ऐसा नहीं है। फार्माकोग्नोसी से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज में भी ड्रग्स हैं। ओके, चाहे वो हर्बल ओरिजिन की हो या किसी भी ओरिजिन की हो, यहाँ पे प्रेजेंट है। तो गाइस आपको ये छोड़ना नहीं है, आपको ये भी पढ़ना है बिकॉज में कई सारे टॉपिक्स है, लाइक आपके अल्केलॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टैनिन है, एराइजिन है, कार्बोहाइड्रेट है। ओके, तो इन टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है, प्लस इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, अगेन मैं यहाँ कहूंगा कि आपको यहाँ पे एक चार्ट बना लेना है जिसमें एक ड्रग का नाम होगा, उसका बायोलॉजिकल सोर्स होगा, उसकी फैमिली होगी, एंड उससे कौन कौन सी यूजेस है उसके बारे में लिखा होगा। ओके, अब वो एल्कोलाइडल ड्रग है या ग्लाइकोसाइडल ड्रग है, ओके, तो उसके लिए उसका टेस्ट भी होगा। तो आपको एक ही चार्ट के अंदर पूरा समराइज हो जाएगा, पर आपको ये मेहनत जरूर करनी पड़ेगी।
यदि आप सोचते हो कि लाइक मैं कॉपी में लिख लूंगा और इजीली हो जाएगा, तो आखिर टाइम में जब आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको बहुत टीडियस लगेगा और आप छोड़ दोगे। ओके गाइज, तो आप पूरा बना लीजिए इसका चार्ट। जो भी टेस्ट है, जो भी इसके बारे में इसके यूजेस हैं, जो भी इसकी फार्माकोलॉजी है, जो भी इसके जो है जहां से भी मिलता है सोर्सेस हैं, इन सबको आप टेबलेट फॉर्म में रखिए। ओके गाइज, नेक्स्ट सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपने इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ा हुआ है, यूवी पढ़ा हुआ है, आईआर पढ़ा हुआ है, एनएमआर पढ़ा हुआ है। तो कई सारी चीजें हैं जो कि किसी ड्रग की एनालिसिस में हेल्प करती हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको थोड़ी नॉलेज होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट में लाइक यदि मैं यूवी की यदि बात करूँ, तो उसमें डिटेक्टर कौन सा यूज होता है, एनएमआर में कौन सा यूज होता है, आईआर में कौन सा यूज होता है। तो गाइज, ये इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग के ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके गाइज, साथ में आपको जितना ज्यादा ज्यादा हो सकता है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, बिकॉज जितने एमसीक्यू आप सॉल्व करेंगे उतनी वराइटीज आपको मिलेगी, उतने पैटर्न आपको मिलेंगे, और आपका जो पढ़ने का जो क्राइटेरिया है, सोचने का जो क्राइटेरिया है, जो कॉन्सेप्ट है, वो आपका बढ़ेगा। ओके सो गाइज, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है। तो गाइज, यहाँ पे एनालिसिस के लिए जो बुक्स हैं जिसको मैंने रेफर किया था, आप भी कर सकते हैं। तो यहाँ चटवाल है, रैमिंगटन है, एंड वाई आर शर्मा है, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि सब्जेक्ट हमें पता चल गया है, एवरीथिंग इज हियर, ओके, बट प्रिपेयर कैसे करें। प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि आपको चार्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो जहां भी आपको लगता है, जहां भी जरूरत है, आप चार्ट को बनाइए। उसको अपने वॉल पे चिपका लीजिए जहां पे आप उसको रेगुलरली देख पाए, ताकि आप उसको इजीली याद कर पाओगे, राइट। सेकेंड थिंग, आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। किसी के नोट्स जो है ना, चुरा के नहीं लाने हैं, फोटोकॉपी करके नहीं लाने हैं, खुद के नोट्स खुद ही बनाने हैं, बिकॉज मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो खुद नोट बनाइए, खुद उसको हाईलाइट करिए, राइट, ताकि आपको जो है ना वो चीजें याद रहे। नेक्स्ट थिंग इज दैट प्लेस कार्ड। छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं कि वो कार्ड्स को है ना, आप मान लीजिए किसी ड्रग का आपने लिखा, मान लीजिए फेनेटोइन है, आप फेनेटोइन का जो मैकेनिज्म एक्शन है आप उसके अंदर जो है लिख लिए, उसको अपने पॉकेट में रख लिए। जहां भी आप जा रहे हो, जहां भी टाइम मिलता है, उसको रिवाइज कर लिया। तो जब भी आपको चीजों को रिवाइज करना हो, तो उसके फ्लैश कार्ड जरूर बनाइए, उसको देखे जरूर। और अपने ग्रुप में फ्रेंड से शेयर जरूर करिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है बहुत अच्छी चीज बना ली तो वो आप ही को आनी चाहिए, आप ही को याद है। वो कहते हैं ना कि ज्ञान जितना बांटो उतना बढ़ता है, तो यहाँ भी ज्ञान आपको बांटना ही है, बिकॉज उस ज्ञान के बांटने के चक्कर में आपको जो याद होगा ना, वो आप कभी नहीं भूलोगे। तो आपको जो है ग्रुप के अंदर डिस्कशन करना है। मान लीजिए कि आपके 4 से 5 फ्रेंड है जो कि तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप रेगुलर जो है ना, किसी किसी टॉपिक को जो है याद करके जाइए, उनके साथ डिस्कशन करिए, ड्रॉस के बारे में डिस्कशन करिए कि आज मैंने ये पर्टिकुलर नया क्वेश्चन पढ़ा, वो आपको बताएगा कि उसने कोई नया क्वेश्चन पढ़ा। बहुत कम टाइम में आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा। एंड आपका जो भी आपने इसको लर्न किया है, आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे याद हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। यदि नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कुछ नया टेक्निक अपनाना है। पर इसे छोड़ना नहीं है। गाइस, एंड लास्ट मॉक टेस्ट। जीपेट की कई सारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन है। कई सारी बुक्स हैं। तो जिसके अंदर जो है, या चाहे यदि आप कोचिंग जा रहे हो, तो कोचिंग के अंदर मॉक टेस्ट आपको कर सकते हो। बट इट इज रिक्वायर्ड, राइट, ताकि इसमें आपका एक फ्लो बना रहेगा, आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा एक मोटिवेशन रहेगा, आप उससे आपको मतलब एक कंबरसम नहीं लगेगा। और आप इजीली उसको कर लोगे। तो गाइस, एट लास्ट मैं आपको पूरा ये समराइज करूँ, तो मैं आपको यही कहूँगा, सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट है। उसके अकॉर्डिंग आप मान लीजिए अभी 6th सेमेस्टर में है या 5th सेमेस्टर के अंदर है, तो अभी से आपके सब्जेक्ट में जो भी आ रहा है उसको थॉरली पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि आगे जो जीपेट में आप पढ़ने वाले वो भी सेम वही है, बट उसका आपको थोड़े नॉलेज होना चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए, उसके क्वेश्चन आंसर कैसे बनते हैं, इसके लिए आपको बुक्स प्रेफर कर लेनी चाहिए। इनामदार की बुक आती है, कैरियर पब्लिकेशन की बुक आती है, पीयूष की बुक आती है, और भी कई सारी बुक्स हैं। तो आप उसको देख लीजिएगा, रेस्पेक्टिव आपकी कोचिंग से या ऑनलाइन वॉट एवर। बट आपको मॉक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। सो गाइज, होप कि ये वीडियो आपकी काम की होगी। यदि आपकी वीडियो काम की होगी, एंड जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। इन केस यदि आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है, तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।
गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू.